रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली रेस्पिरेटरी वर्ड है डिराइव फ्रॉम द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पायर करना, एनर्जी रिलीज करना, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या करती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में. और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं ये बेसिकली दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स. लेकिन असल में हमें चाहिए तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की टर्म में हमें एनर्जी चाहिए. सो रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिलती है एंड उसमें डेफिनेटली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब है ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी, और जब ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज कंबाइन करेगी तो हमें एनर्जी मिलेगी. एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की टू टाइप्स हैं, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अदर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. नाम से ही जाहिर है जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एयर रिक्वायर्ड है, एयर डेफिनेटली एयर से ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है इन एरोबिक रेस्पिरेशन. क्योंकि ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगी तो उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगी तो उसे कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन.